हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे, आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक देखेंगे, जिसमें बात करेंगे कृषि विज्ञान की प्रमुख क्रांतियाँ, जो कि दोस्तों आपके आने वाले जैसे यूपी आरओ वीआरओ एग्जाम है। कि दोस्तों पता होगा, इस एग्जाम में आपके 4 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। ठीक है, तो मैचिंग दे देगा वैसे पूछ लेगा। और साथ में दोस्तों आपका यूपी लेखपाल एग्जाम हो गया, और साथ ही आपका यूपीपीसीएस, इन सभी एग्जामों के लिए आपका ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसे दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तो यहाँ पर दोस्तों आपको एग्रीकल्चर के सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे धीरे धीरे। इससे पहले जो पहला वीडियो बनाया था, उसमें दोस्तों हमने आपको कंप्लीट कराया है कृषि विज्ञान की कृषि संबंधित प्रमुख संस्थाएं। ठीक है, संस्थान जो भी आपके हैं कृषि विज्ञान संबंधित, वो सब आपको बताए गए थे। और इसमें बात करें कृषि विज्ञान की प्रमुख क्रांति के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला दोस्तों आपका हरित क्रांति, जो कि दोस्तों आपके खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई थी भारत में, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1966 से 67 के बीच में, 66 में। ठीक है, और दोस्तों इसका एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पड़ा था, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पड़ा था इसका गेहूँ पर प्रभाव, और कुछ हद तक आपका धान पर भी पड़ा था। ये सब चीज़ें दोस्तों पॉइंट आपको याद रखने हैं और नोट करते रहे साथ साथ। ठीक है, यानी जो हरित क्रांति का प्रभाव था वो मुख्यतः आपको गेहूं और थोड़ा बहुत आपका धान की फसलों पर पड़ा था। और दोस्तों ये चीज़ पता होगी आपको, जो क्रांति लाने का श्रेय किस हो जाता है आपका। पहले बात करते हैं, सबसे पहले देखो 1958 में आपका, 1959 में, ठीक है, मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत और भारत में हुई थी 1966-67 में। और दोस्तों हुआ क्या था, देखो 1968 के बाद बताता हूँ मैं भारत में। यहाँ से एक क्वेश्चन और दोस्तों बनता है कि आपका हरित क्रांति, एक सेकंड, कि भारत में हरित क्रांति के संज्ञा प्रदायक कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर विलियम गार्ड। ठीक है, जो कि आपके यूएसए के थे। और दोस्तों हुआ क्या, देखो 1968 में आपके गेहूं की फसल की खेती हुई थी जो भारत में। ठीक है, उस समय आपका 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ था। ठीक है, जो पिछली बार तुलना में आपका 50 लाख टन अधिक था। ठीक है, पिछले आपका 120 हुआ था इससे पहले लाख टन, इस बार हुआ था 170 लाख टन। तो दोस्तों उसको जो नाम, हरित क्रांति का नाम जो दिया था, वो डॉक्टर विलियम गार्ड ने ही दिया था। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि हरित क्रांति सफल क्यों हुई थी, क्यों दोस्तों इसमें जो था आपका अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया था, देने वाली किस्मों का प्रयोग। ये दोस्तों सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कि 1966 में आपकी भारत में शुरुआत हुई गेहूं और धान की फसल पर, इसका प्रभाव पड़ा था सबसे गेहूं पर और थोड़ा बहुत धान पर। ठीक है, और 1959 में आपका मैक्सिको में शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के संज्ञा प्रदायक क्या जाते हैं, डॉक्टर विलियम गार्ड यूएसए के। और इसमें जो था आपका सफल क्यों हुई थी आपकी हरित क्रांति, हुई थी कि अधिक अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया था इसमें, इसे सफल हुई थी। और दोस्तों कहाँ कहाँ तक ये कहाँ पे सफल हुई थी क्रांति, जो इसका प्रभाव पड़ा था वो कहाँ पड़ा था। एक दोस्तों पड़ा था आपका हरियाणा में, ठीक है, एक आपका पंजाब में, और एक दोस्तों आपका पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी, और एक आपका राजस्थान के गंगानगर जिले में। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा था आपका हरित क्रांति का। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। अगर उस जनक की बात करें दोस्तों, वो थे आपके नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है आपको कि कृषि विज्ञान एकमात्र कृषि वैज्ञानिक हैं जिनको आपका नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार विजेता जो है अब तक। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। और तो बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में कि हरित क्रांति जनक किस कहा जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय कैसे जाता है,
लाने का श्रेय। तो दोस्तों ये जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है आपका कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। ये दोस्तों आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों ये हुई थी 1960 में। कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी दोस्तों आपको पंतनगर में, जो दोस्तों उस समय आपको यूपी में था, लेकिन अब आप कहाँ है आपका, ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और जैसे आपको इसमें यूज हुआ कि गेहूं और धान की फसल से प्रभाव पड़ा था, तो पता होना चाहिए दोस्तों आपको गेहूं और जो आपको धान के उत्पादन पहला स्थान किस देश का है, तो दोनों के में पहला चीन का स्थान है और दूसरा आपका भारत का है, गेहूं में भी और धान में भी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं आपका, आगे आपके श्वेत क्रांति जो कि आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 1964-65 में। और दोस्तों दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दोस्तों एक आपका ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड, ये आपका एग्जाम में केवल पूछा गया, जो चलाया गया था आपको 1970 में। ठीक है, इसको चलाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, वो जाता है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और दोस्तों ये चीज़ पता होगी, इनको आपका श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, ये दोस्तों सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने कॉपी पेन लेके। ठीक है, और दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दोस्तों, ये आपका तीन चरणों में चला गया था इंडिया में, कौन कौन चरण में, एक तो पहला फर्स्ट जो था दोस्तों वो था आपका 1970 से लेकर 78 के बीच में, फिर दोस्तों चला गया आपका 1978 से 85, फिर आपका 1985 से लेके 1995 के बीच में, यानी तीन चरणों में आपका चला गया था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ये हो गया आपका। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का दूध उत्पादक देश, तो दोस्तों इसमें स्थान है आपका भारत का नंबर वन, यानी सबसे जो दूध उत्पादन करता है वो आपका भारत करता है। और बात करें स्टेट में तो दोस्तों वो करता है आपका यूपी। ठीक है, यूपी आपको सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है भारत के राज्यों में। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी बनता है कि आपके यूपी में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों वो है आपकी, ध्यान रखना आपको, 371 ग्राम पर डे, यानी कि एक व्यक्ति को 371 ग्राम पर डे आपका ये दूध उपलब्धता है यूपी में। और बात करें दोस्तों भारत में, तो भारत में कितनी है आपकी, तो दोस्तों वो है आपको 394 ग्राम पर डे, यानी कि भारत तुलना में यूपी में आपकी दूध उपलब्धता जो आपकी बहुत कम है। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और है, जैसे कि आपका पूछा जाता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ है, तो दोस्तों ये आपका करनाल में, करनाल हरियाणा में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और या दोस्तों ये पूछा था कभी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये आपका आनंद में है, आनंद कहाँ है वो गुजरात में, आनंद गुजरात में है आपका। ठीक है, तो यानी श्वेत क्रांति संबंधित जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर इस वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका पीली क्रांति, दोस्तों इसका संबंध है आपका तिलहन उत्पादन से। और दोस्तों गलती क्या करते हैं बस, तिलहन को तिल समझ लेते हैं बस। ठीक है, लेकिन दोस्तों तिलहन ऐसा नहीं होता, जितनी वनस्पति तिल का उत्पादन होता है वो दोस्तों सभी आपका तिलहन फसलों में अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका तिल हो गया। ठीक है, सरसों, मूंगफली और साथ में आपका सोयाबीन हो गया। ठीक है, सूरजमुखी, यानी दोस्तों इन सभी से आपके वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, इसलिए सारे जो आपके तिलहन फसलों में आते हैं। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अगला दोस्तों आपका गोल क्रांति, जिसका संबंध दोस्तों गोल किससे, आपका आलू उत्पादन से आपका गोल क्रांति का संबंध, ठीक है। और दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको कि आलू कहाँ से आए थे, पुर्तगालियों के देने आलू भारत में, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको पुर्तगालियों की, जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें दोस्तों पढ़ा होगा कि आलू जो आपके पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। और बात करें आलू उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, आलू उत्पादन में शीर्ष देश तो दोस्तों वो है आपका चीन पहले नंबर पे आता है, और दूसरे दोस्तों आपका आता है भारत आलू के उत्पादन में। अगर आप बात करें आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो राज्य दोस्तों आपका आता है यूपी पहले नंबर पे आता है, ठीक है। और एक दोस्तों क्वेश्चन आपको और बनता है यहाँ से कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों आपका शिमला में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, आगे आपका नीली क्रांति, तो दोस्तों ये संबंध है आपका मत्स्य उत्पादन संबंध है इसका आपका। फिर देखते हैं आगे, आगे आपका गुलाबी क्रांति, जिसका संबंध दोस्तों आपका झींगा उत्पादन और आपका प्याज उत्पादन से है, ठीक है। अगला आपका कृष्ण क्रांति, जिसका संबंध दोस्तों आपका पेट्रोलियम और आपका खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति आपका, या इसको काली क्रांति बोल सकते हैं, एक ही बात है, काली क्रांति। इसका दोस्तों आपका अगला है धूसर क्रांति या ग्रे क्रांति, हिंदी में धूसर बोलते हैं और इंग्लिश में आपका ग्रे बोलते हैं। ये दोस्तों आपको उर्वरक उत्पादन संबंधित है और साथ में आपकी सीमेंट उत्पादन से भी संबंधित है आपकी ग्रे क्रांति, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। फिर दोस्तों आपका रजत या सिल्वर क्रांति, ये दोस्तों आपके अंडा उत्पादन से और साथ ही आपकी मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने से संबंधित भी आपकी है, ठीक है। इसका दोस्तों आपका है सुनहरी क्रांति, जो कि संबंधित है आपका बागवानी उत्पादन से, या कह सकते हो शहद, और साथ में आपका शहद उत्पादन से भी। और दोस्तों इसका जो मेन फर्क पड़ा था जो फलों में दोस्तों, वो पड़ा था आपका सेब की उत्पादकता पर, ठीक है, फलों में। और यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है आपका, कुल फलों में पहले नंबर कौन सा देश है कुल फल उत्पादन में, तो दोस्तों वो है आपका चीन पहले पर है, और दूसरे दोस्तों आपका भारत है, ठीक है। अगर बात करें कुल सब्जी की, तो दोस्तों यहाँ भी पहले पर चीन है आपका, दूसरे पर भारत है, ठीक है। आपको पता होगा बागवानी जो आते हैं आपके फल और सब्जी सब आपके आ जाते हैं बागवानी के अंदर, ठीक है। अगला दोस्तों आपका अमृत क्रांति, ये दोस्तों संबंधित है आपकी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। उसके बाद दोस्तों आपका इंद्रधनुष क्रांति, जो कि आपकी सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु संबंधित है। सभी क्रांति दोस्तों कौन सी, जो बताया मैंने स्टार्टिंग में आपको, जैसे हरित क्रांति हो गया आपका, ठीक है, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति हो गई, पीली नीली, ठीक है, लाल, सुनहरी क्रांति, और आपको गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति हो गई, ठीक है, रजत क्रांति, इन सभी क्रांति से संबंधित है आपकी इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है। अगला आपका हरित सोना क्रांति, जो कि संबंधित है आपकी बांस उत्पादन से। उसके बाद है आपका सदाबहार क्रांति, जो कि समग्र कृषि विकास से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य था आपका शुरू करने का, उद्देश्य क्या था आपका, देश की मिट्टी को उन्नत बनाना था, देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, जिससे आपकी पैदावार, जो मिट्टी है उनमें पैदावार आपकी अच्छी हो, और किसानों को लोन दिलाना, ठीक है, वो भी आपका सदाबहार क्रांति से संबंधित है, और आपकी कृषि शोध को बढ़ावा देना, ये सब दोस्तों आपका सदाबहार क्रांति से संबंधित है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों आपकी है सिल्वर फाइबर रेशा क्रांति, ये दोस्तों आपकी है कपास उत्पादन से, या तो इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर फाइबर और हिंदी में बोलते हैं रजत रेशा क्रांति, जो कि आपकी कपास उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों एक क्रांति आपकी यहाँ पे और आती है, वो है दोस्तों आपकी खाकी क्रांति, ये दोस्तों संबंधित है आपके चमड़ा उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका सेफ्रॉन क्रांति, जो कि आपके केसर उत्पादन से संबंधित है। अगला आपका बादामी क्रांति, जो आपकी मसाला उत्पादन से संबंधित है। फिर दोस्तों आपके आती है ग्रीन गोल्ड क्रांति, जो कि आपके चाय उत्पादन से संबंधित है, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों आपकी सनराइज यानी कि सूर्योदय क्रांति, जो कि आप समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित। तो दोस्तों जितनी भी आपकी इंपोर्टेंट क्रांति थी वो मैंने सब आपकी इस वीडियो में पढ़ा दी आपको। अगर दोस्तों कोई आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों इससे जो अगला वीडियो आपका अपलोड होगा उसमें दोस्तों आपका कृषि पद्धति पढ़ाया जाएगा, पद्धति एवं प्रणालियाँ, ठीक है, जिसमें दोस्तों जितने प्रकार की आप खेती होती है कि झूम खेती क्या होता है आपका, ठीक है, विशेष खेती क्या होता है, ये सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, ये सब आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके आने वाले से यूपी आर ओ आर ओ हो गया, ठीक है, या आपका यूपी लेखपाल हो गया, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।